बॉलीवुड के सबसे चर्चित परिवार की बहू बनना किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। कुछ भी करो लाइमलाइट का हिस्सा बन जाते हो। जितना बड़े खानदान की बहू बनने में फायदा है उतने नुकसान भी परिवार को झेलने पड़ते हैं। अब ऐश्वर्या राय को ही देख लीजिए, इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चाओं का हिस्सा बन गई थी। हाल ही में उन्हें पनामा पेपर केस के कारण पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के करीब 4-5 घंटे तक चली थी दिल्ली स्थित ईडी ऑफिस से। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब ऐश्वर्या राय की वजह से पूरे बच्चन परिवार की नाक कटी हो। इससे पहले भी कई बार ऐश्वर्या विवादों में घिर चुकी हैं, लेकिन ये बात हमेशा देखने को मिली है कि हर मुसीबत में उनका साथ पूरा बच्चन परिवार खड़ा होकर करता है। वहीं आपको बता दें कि उनके ससुर अमिताभ बच्चन हो या फिर उनके पति अभिषेक, हर मुश्किल समय में ऐश के साथ ये खड़े दिखे हैं। इससे पहले ऐश्वर्या के कई विवाद हो चुके हैं जिनकी वजह से वो सुर्खियों में आ चुकी हैं। बात तब की है जब फिल्म हीरोइन में जब 65 दिन की शूटिंग के बाद मधुर भंडारकर को ऐश्वर्या की प्रेग्नेंट होने की खबर पता चली, तब उनको फिल्म से निकाल दिया गया और करीना कपूर को रोल दिया गया। अब इस कारण बच्चन परिवार और मधुर भंडारकर के बीच नाराजगी हो गई, जिसके बाद दोनों की बात भी नहीं होने लगी और इस कारण से ऐश्वर्या उनसे नाराज हो गई। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में पूरा बच्चन परिवार ऐश्वर्या के साथ खड़ा था। अब बात है उस दौरान की है जब 2012 में ऐश्वर्या राय कैंस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर उनका लुक फैंस को अच्छा नहीं लगा। उनके बड़े वजन के कारण काफ़ी लोगों ने उन्हें ट्रोल किया। आपको बता दें कि इस वक्त वो प्रेग्नेंट थी और उनका बेबी बम्प दिख रहा था। उस दौरान भी अमिताभ ढाल बनकर उनके साथ खड़े रहे थे। साल 2015 की बात कर ले तो ऐश्वर्या राय बच्चन ने कल्याण ज्वेलर्स के एक विज्ञापन में महारानी की तरह दिखने के कारण एक गरीब बच्चा छाता पकड़वाने के कारण उन्हें ट्रोल किया गया था। लोगों का कहना था कि एक विज्ञापन बाल मजदूरों को बढ़ावा देता है, जिसके बाद ऐश्वर्या राय बच्चन को बहुत ट्रोल किया गया और अमिताभ बच्चन ने ट्रोलर्स को जवाब भी दिया। उस समय भी अमिताभ और उनके परिवार ने ऐश्वर्या का बहुत ज़्यादा साथ दिया था। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से। सुरभि की रिपोर्ट।